मेहनत आप कर रहे हैं, खेत आपके हैं, तो वो जो बाजार में बिकता है वो महंगा क्यों बिक रहा है? कुछ तो वो तो उन वो उसके प्रयोग जानते हैं ना, हम उसके प्रयोग भी नहीं जानते। सरकार के स्तर से ऐसी व्यवस्था हो जाए कि किसान जो मेहनत कर रहा है उसको कुछ तो रकम मिले। हाँ वही तो, हम भी तो वही जानते, पर यहाँ पे होता ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे और आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ मंडुआ और झंगोरा की खेती पर। क्या मंडुआ और झंगोरा और उसके साथ उगने वाली फसलें पर्वतीय इलाकों के किसानों की आर्थिकी को बेहतर बना सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने रुद्रप्रयाग जिले के कुछ गांवों का भ्रमण किया। रुद्रप्रयाग जिले में मंडुआ झंगोरा की खेती खूब होती है, क्या ये किसानों के लिए लाभ की फसल है? इस संबंध में हमने खड़पतिया और क्यूड़ी गांव में फसल काटने के दौरान महिला किसानों से बात की। उनका कहना है किसानों से मंडुआ जिस कीमत पर खरीदा जाता है वह बहुत कम है। पिछले कुछ वर्षों में ये 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका था, कहीं कहीं 20 से 22 रुपये प्रति किलो भी बिका था, जबकि देहरादून जैसे शहरों में यह 60 रुपये प्रति किलो से कम नहीं मिलता। ये जो है पौधा है, ये दरबार की परंपरा है। करीब 30 साल पहले दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में जॉब करके लौटे करीब 60 वर्षीय माथुर सिंह बिष्ट और उनकी पत्नी हमें अपने आंगन में मंडुआ की कुटाई और छनाई करते दिखे। माथुर सिंह बताते हैं कोरोना के समय परिवार सहित गांव के मकान में शिफ्ट हो गए थे, पर खेती बाड़ी में कुछ हासिल नहीं होता क्योंकि जंगली जानवर फसल को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं। मंडुआ झंगोरा का दाम मेहनत के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है। सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों की उपज को सीधा मंडी तक पहुँचाने की व्यवस्था करे और रेट भी निर्धारित किया जाए। किसान स्थानीय स्तर पर अनाज बेच रहे हैं जिससे उनको मनमाने रेट मिल पाते हैं। कितनी मेहनत होती है खेतों में, और ये ऑर्गेनिक है, पूरी तरह से जैविक है, उस हिसाब से इसका रेट क्या होना चाहिए? 40-50 रुपए कम से कम होना चाहिए। जो झंगोरा है ना, झंगोरा इसकी कीमत जो है प्रांत में, इसकी कीमत जो है यहाँ हरिद्वार सिंह के जाने वाले 80 रुपए किलो बिकता है और हमारे यहाँ जाती है 20 रुपए किलो। उधर कुछ दिन धूप में सुखाने के बाद किसान सुरवीर सिंह और उनकी बेटी आरती झंगोरा की कुटाई कर रहे हैं। इस दौरान काफी धूल उड़ रही है। सुरवीर बताते हैं इस धूल से जुकाम हो जाता है, इससे गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत भी हो जाती है, इसलिए हमने नाक मुंह ढके हुए हैं। हमारे बैल इतने दक्ष नहीं हैं कि वो अनाज की कुटाई के लिए गोल चक्कर में घूम सकें, इसलिए हम लाठियों से अनाज कूट रहे हैं। बीच बीच में आरती छत पर सूख रहे झंगोरा को कंडी में भरकर आंगन में लाती हैं और लाठी से कुटाई करती हैं। आरती का कहना है कि जिस हिसाब से झंगोरा और मंडुआ की खेती में मेहनत होती है उस हिसाब से इसका दाम 45 से 50 रुपये प्रति किलो होना चाहिए, पर किसानों को यह दाम नहीं मिल पाता। आप भी मंडुआ उगाते हैं? हाँ जी। कितना मंडुआ हो जाता है आपको? हो जाता है 2-3 क्विंटल। क्या रेट बिक रहा है? रेट चलता है वो 1500 रुपए किलो। अभी क्या रेट होगा आपको जानकारी है? तो आएगा पता रेट मंडी का, अभी रेट आएगा। तो आप बेचते हैं मंडुआ? नहीं, हम नहीं बेचते। क्या वजह है मंडुआ नहीं बेचते आप? क्योंकि वो घर की चीज है, उसको खाने में फायदा है, दुकान से सड़ी गला हुआ चावल और गेहूँ मिलता है, उससे फायदा क्या है? मंडुआ से ताकत बढ़ती है, बीमारी दूर होती है, इस वजह से नहीं बेचते। तो आपको जो मंडुआ है वो बेचकर फायदा नहीं है? फायदा नहीं है, कुछ नहीं। झंगोरा बेचते हैं? नहीं, झंगोरा भी नहीं बेचते, हम कुछ नहीं बेचते हैं। जैसे बर्फबारी का सीजन आ जाएगा 2-3 महीने बाद, तो उसमें की तैयारी क्या करते हैं आप? बर्फबारी में तो वही मंडुआ और तुम्हारा ये झंगोरा और घर के चावल यही काम आते हैं। एक चीज ये बताइएगा कि जैसे मैंने सुना है कि गांव में जो लोग हैं वो मंडुआ बेचते हैं, तो जो दुकानदार हैं उनसे वो लोग सामान ले आते हैं, पैसा नहीं लाते, ऐसा है कुछ? ये बात सत्य है। जैसे झंगोरा दे दिया या कोदा दे दिया, मंडुआ दे दिया, तो उसमें क्या करते हैं वो चावल लेते हैं या तेल लेते हैं, फायदा क्या है उसमें? अच्छा, खुद पैसे नहीं लेते? पैसे नहीं लेते, अपने मन से ले जाते हैं, मर्जी से ले जाते हैं। आप उगाते हैं मंडुए को और पूरी मेहनत करते हैं मंडुए के साथ जो उगाने में, लेकिन खाते कम है? खाते कम है, इसको खाने में यूज कम करते हैं, नहीं तो ये सबसे अच्छी दवाई है हमारी, ये
अच्छी चीज है हमारी पहाड़ों की, पहाड़ों की यह दवाई में भी काम आता है। तो आप यहाँ पर इस समय मंडुआ काट रहे हैं, तो ये आपने कब लगाया था? ये हमने लगाया चैत में, चैत बैसाख जो होता है ना, मार्च अप्रैल, तो मार्च अप्रैल में लगता है और ये 6 महीने में उग जाते हैं, मतलब आजकल काटते। तो इसको अब जैसे आप इसे मंडुए को काटेंगे, काटकर काटेंगे फिर इसको फिर सिजाएंगे, मतलब थोड़ा इकट्ठा करके रख देंगे 2-4 दिन में, अगर बारिश बंद हो जाती है ना तो फिर इसको फिर मानेंगे, डंडों से कूटेंगे फिर मानेंगे, फिर इसको रोटी भी खा सकते हैं, जैसे गेहूँ पीसते हैं ना, तो गेहूँ की तरह चक्की पे दे दो, आटा ले लो, थोड़ी काली होती है इसमें, जैसे कुट्टू ना, और इसमें कोई फर्क नहीं है, एक जैसा दिखता है, जैसा दिखता है, मतलब काला वैसे ही होता है, रोटी थोड़ा वैसे कुट्टू की रोटी बनाने जैसे, कुट्टू की रोटी बनाने में मुश्किल होता है वैसे ही इसमें भी होते हैं। अच्छा, आप इसको मंडुए को काट रहे हैं, फिर आप इसको, फिर उसको मैंने देखा था कि एक दिन मैंने कुछ बेटियों को देखा था, वो हाथ से उसको पीट रही थी, वो गेहूँ भी ऐसे करते, नौ उम्र में फिर गोबर डालेंगे खेतों में और फिर गेहूँ हल लगाएंगे, फिर गेहूँ बोएंगे, फिर वो उसमें हो जाता है जेठ आषाढ़ में ना, जेठ आषाढ़ में फिर कहीं जेठ में होते, कहीं चैत में होते, कहीं बैसाख में होते, तो अलग अलग हमारे मतलब जैसे नीचे से खेत पक के आएंगे तो हमारा थोड़ा पहाड़ों का हो गया ना, तो हमारे थोड़े बाद में पकती फसल। मैं देख रहा था कि उसमें वो लोग उसको हाथ से पीट रहे थे, तो बड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इसका कोई और उपाय नहीं है, मंडवे को भी किसी और तरीके से आप उसमें उसका दान? सेम का सेम वैसे होते, जैसे गेहूँ देखे ना आपने, तो गेहूँ की तरह इसको भी पीटते हैं, फिर पीट के अपना रख दिया, फिर पिसवा दिया, कोई पिसवाता है, अब तो ज़्यादा करके कौन खाता है इसको, कोई खाता ही नहीं है, बेचते, अब तो इसको हमारे पहाड़ों से बाहर के यूज करते ज़्यादा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब कौन खाता है, ये होता है ना, कौन खाएगा, अब नया नया बहू आ गए, नए नए रोजगार आ गए, तो हमारे में तो ऐसे ही है। मंडुआ मतलब आप उगाते हैं मंडुए को और पूरी मेहनत करते हैं मंडुए के साथ जो उगाने में, लेकिन खाते कम है? खाते कम है, इसको खाने में यूज कम करते हैं, नहीं तो ये सबसे अच्छी दवाई है हमारी, ये अच्छी चीज़ है हमारी पहाड़ों की, यह दवाई में भी काम आता है। तो जो नई पीढ़ी है, क्या नई पीढ़ी नहीं खा रही है, या पुराने लोग तो खाते होंगे इसको? हम तो खा के आए, हम तो बनाते हैं, खाते हैं, हम तो अभी भी ना, हमको जैसे कभी कभार जैसे अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए वो ना मतलब मन करता है, तो हम तो बनाते पीसते और फिर खाते तो ये भी है, पर जैसे मतलब उतना यूज नहीं करते जैसे पहले करते। एक चीज बताइएगा, जितनी आप इसमें मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से क्या आपको इसका उत्पादन मिल जाता है? नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता हमारे को। क्या वजह रही होगी इसकी? होते ही पता नहीं, आप देखो ये हमने बोया है ना, वो उस तरफ के खेत दिखाती हूँ मैं आपको, ये सोयाबीन है, ये जो सोयाबीन दूध का उसमें प्रयोग में आता है, ये सोयाबीन है, ये कोदा है, तो ये आटा में मतलब आप तो चीज़ें कई किस्म के बनाने लग गए, कोदा कई कामों में यूज आ रहा है ना, तो पहले तो हम ही लोग खाते थे इसको, खा लिया बेच दिया, जिसके पास ज़्यादा होता था तो फिर झंगोर होते हैं, जैसे एक सांभर के चावल नहीं होते, वो झंगोर होता है हमारे, झंगोर बोलते हैं उसको, तो उस झंगोर भी हम कूटते हैं, जो उखरियाल होते ना, उखरियाल में कूटते, अब तो चक्की हो गई, पहले कूटते थे डंडा से, दिखाऊँ मैं आपको, तो वो डंडे से कूटते थे, तो उसमें से वो छिलका निकाल के, और उस जैसे सांभर के चावल भी बनते हैं, लस्सी में डाल दो तो लस्सी में भी यूज होता है, ये जैसे भात बना करके खा लो वो उसमें भी यूज होता है, खीर बना दो खीर में भी यूज होता है। अच्छा, जैसे ये क्या भाव बिकता है मंडुआ? 10 रुपये 15 रुपये किलो जाता है। तो कितना हो जाता है मतलब? यहाँ हम लोगों को तो ऐसे वो करें, नहीं तो 100 रुपये 200 रुपये किलो, जब आगे चले जाते हैं ना वो 200 रुपये 300 रुपये किलो देते हैं उसको। एक बड़ी गंभीर बात बताइए कि जैसे 10 या 15 रुपये किलो आप लोगों से खरीदते हैं, और जब आप कुटाई उटाई कर देते हैं उसके बाद? कुटाई उटाई कर देते, फिर कुटाई
करने के बाद जब उसके दाने निकल जाते ना, तो हम दाने जैसे किलो के हिसाब से बेचेंगे तो 10 किलो 20 किलो से ज़्यादा नहीं ले जाते। एक चीज़ बताइएगा, जब आप 10-15 रुपए किलो के हिसाब से आप बेच रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, खेत आपके हैं, तो वो जो बाजार में बिकता है वो महंगा क्यों बिक रहा है? कुछ तो वो तो उन वो उसके प्रयोग जानते हैं ना, हम उसके प्रयोग ही नहीं जानते। सरकार के स्तर से ऐसी व्यवस्था हो जाए कि किसान जो मेहनत कर रहा है उसको कुछ तो रकम मिले। हाँ वही तो, हम भी तो वही जानते, पर यहाँ पे होता ही नहीं है। किन को बेचते हैं आप? कोई लोग बाहर से आते हैं खरीदने, ये कैसे होता है? अब पता नहीं है, जैसे ठेकेदार होता है ना, तो ठेका उठाते हैं, तो ठेका वाला सारा जगह जैसे यहाँ के इकट्ठा कर दिया, दूसरे गाँव के इकट्ठा कर दिया, वो इकट्ठा कर देते होंगे, वो थोड़ा बहुत अपना कमाई तो लेंगे वो ना। एक चीज मुझे बताइएगा, अब आपने ये 10 या 15 रुपए किलो बेचा और बाजार जब जाएंगे तो आपको 100 रुपए किलो के आसपास मिलेगा। हाँ, हम 100-150 रुपए किलो मिला। अगर वहाँ से कूट पीट के वो जैसे खाने के लिए एक बना देंगे ना, तो हम ये खुद खरीदने जाएंगे तो हम ये 100-150 देंगे, तब जाके हमारे को 1 किलो मिलेगा। आप तो ये चाहेंगे कि अगर सारी व्यवस्था हम करने लग जाएं तो हमें भी वो रेट मिले? हाँ, हम ऐसे चाहते हैं। हाँ, हम चाहते हैं ऐसे हो जाए तो हम कर सकते हैं ऐसे काम। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि मुझे खेती करना अब अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों? खेती करना, अब ये बताओ, इसमें हमने गोबर भी डाला, इसमें हमने हल भी लगाया, इसमें हमने फिर इतनी सारी हम सारे आए, फिर गुडाई करी हमने 2-3 दिन, और फिर देखो ना बंदरों ने वो हालत कर दी। कि खेती करना अच्छा लगता है सविता, बताना बेटा। थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खेती में क्या क्या दिक्कतें आती हैं बेटा? बहुत दिक्कत है खेत में, बहुत ज़्यादा। जैसे अभी बता रही थी, आपकी सास जी बता रही हैं कि मेरा खेती से मन उचट गया है, ऐसा आपको भी लग रहा है? देख के कुछ नहीं हो रहा, सोमवार कुछ नहीं होने दे रहे यहाँ, इसलिए बोला होगा। धन्यवाद। ये सविता से अभी बात कर रहे थे, तो सविता सुबह 7 बजे ही खेतों में आ गई थी। हाँ। और इस समय लगभग जो है 10 बज रहे होंगे। अब आप कितने कहाँ जाएंगे अभी? अब हम दूसरे खेत में जाएंगे ऊपर।